हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से इस डिजाइन को आप लोगों के पास लेकर आई हूँ आप लोगों के डिमांड पर। ये जो आप क्रीम कलर से बना हुआ फूल देख रही हैं, ये सिलाई के द्वारा बना हुआ है। इस फ्लावर को, यानी क्रीम कलर से जो हम फूल बनाए हुए हैं, इसे हम पोशाक में डाले हुए थे, कान्हा जी का पोशाक में। इसके बाद इसमें इसे हम थालपोश का रूप दिए हुए थे, जिसमें सिर्फ आप लोगों को डिजाइन बतलाए थे, थालपोश बनाना नहीं बतलाए थे। तो काफ़ी कमेंट्स आ चुका है कि मैम इसे हमें शुरू से लेकर लास्ट तक जानना है। तो हम यहाँ पे आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक बतलाए हुए, लेकिन यहाँ कुछ हम चेंज लाए हैं, चेंजिंग किए हुए हैं। जो आप रेड कलर से बॉर्डर देख रही हैं, उस बॉर्डर को हम चेंज किए हुए हैं। पिछले जो थालपोश हम बनाए हुए थे, उस पर हम बॉर्डर दूसरे तरीके से डाले हुए थे। अच्छा है, आप लोगों को दो तरह का बनाने को मिल जाएगा। और जो बीच में फ्लावर दिख रही है, वो फ्लावर भी हम चेंज किए हुए हैं। ये हम किनारे जो बनाए हुए आउटलाइन, ये क्रोशिया से लास्ट लाइन बनाए हुए हैं। और ये जो फ्लावर है, ये भी हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पोशाक बनाना चाहती हैं तो पोशाक का लिंक भी मिल जाएगा, और डिजाइन का जो हम अलग से डाले हुए हैं, वो डिज़ाइन का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जैसा कि हम बतलाएँ, आप लोगों के डिमांड पर हम ये बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। ये थालपोश का वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आया है, क्योंकि इस थालपोश में हम सिर्फ इसका जो ये डिजाइन है, ये जो डिजाइन है, सिर्फ हम इस डिजाइन को बतलाए हुए हैं। तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो पूरा थालपोश ना बना पाई हैं, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे डिजाइन का छोटा सा वीडियो डाले हुए हैं। तो काफ़ी कमेंट्स आ चुका है, मैम हमें ये फिर से बनाना है, आप पूरा इसका वीडियो बनाएं। तो चलिए हम इसका पूरा वीडियो बनाना बतलाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे सिर्फ हम अंतर ये करेंगे कि बीच का जो है, बीच से हम शुरू किए हुए थे बनाना बतलाना, जाली ही शुरू किए हुए थे, लेकिन कुछ दूसरे तरह से शुरू किए हुए थे। तो हम यहाँ पे बीच में जो बनाए हुए हैं, इसे हम अलग जाली के द्वारा बतलाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। और ये तो हम बिल्कुल जो डिजाइन डाले हैं, उसी डिजाइन को बतलाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसे बनाने के लिए हम लेंगे, हम 4 प्लाई का ऊन लेंगे और साथ में 8 नंबर का सिलाई लेंगे। आप कोई भी ऊन से बना सकती हैं। हम उस पर जो बनाए हुए हैं, वो 3 प्लाई के ऊन से बनाए हुए हैं। तो हम चलिए यहाँ पे, जैसा कि बतलाएं, बीच का हम जो बीच में हम मैरून कलर दिए हुए हैं, उसे हम हल्का चेंज करेंगे। तो चेंज करते हुए हम बनाते हैं, 7 फंदा हम यहाँ पे सिलाई पे डालेंगे। दो हो गया, 3, एक पहले से हम डाले यहाँ पे फंदा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे। अगर आपको ये बॉर्डर डालना नहीं आता है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से देखकर इसे बना सकती हैं। हालांकि यहाँ 7 फंदा मात्र है, तो ये बाद में सिल जाएगा, यहाँ पे हम इसे सिल देंगे। अगर आपके पास राउंड सिलाई है, तो आप उससे बनाएं, तो आपको यहाँ पे जोड़ नहीं आएगा। हालांकि हम यहाँ पे बतलाएंगे कि हम जब 2 सिलाई से बनाते हैं, तो उसे जोड़े हम किस तरीके से जोड़े, जो उसमें एक भी दाग ना आए, पता ना चले कि हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं, वो भी हम तरीका आप लोगों को बतलाएँगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा हम बुन लेंगे इस तरीके से, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाते हुए दूसरा फंदा बुनेंगे। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए अगला फंदा बुन लेंगे। पूरी लाइन हमें इसी तरह बुनना है। लास्ट में भी हम जाली बनाते हुए बुन लेंगे। अब पलट लेंगे, पलटने के बाद
पूरा उल्टा बुनेंगे। इस डिज़ाइन को हम पोशाक में भी डाले हुए हैं, तो पोशाक में बहुत हमारी बहनों को समझ में नहीं आया था किस तरह से बनाएं, क्योंकि हल्का तो ये हार्ड है डिज़ाइन, तो इसलिए हम इस डिज़ाइन को थालपोश में बनाकर बतलाए थे, लेकिन पूरा थालपोश हम नहीं बतलाए हुए थे। तो आज हम आपको पूरा थालपोश बनाना बतला रहे हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को पोशाक में डालना चाहती हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन चुके हैं, अब पहला फंदा उतारती हैं अगर आप तो उतार लें, बुनती हैं तो बुन लें, फंदे को अपनी ओर करें, फिर से प्रत्येक फंदे से हम एक एक जाली बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ पे बहुत ही आसान आप लोगों को ये बतला रहे हैं ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी यहाँ बनाने में परेशानी ना हो। दूसरा लाइन भी हमारा जाली बनाने का दूसरा लाइन जो है कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ पे यानी ये तीसरा लाइन चल रहा है, फंदे डालने के बाद ये तीसरा लाइन चल रहा है। अब हम चौथा लाइन बुनेंगे, फंदे को पहला फंदा उतार लेंगे, जितना भी फंदा हमारे पास यहाँ है बुन लेंगे, साथ में हम अगला जब हम जाली बनाकर बढ़ाएंगे फंदे को तब हम यहाँ पे गिनना शुरू करेंगे हमारे पास कितना फंदा हुआ। देखिए ये लाइन भी कंप्लीट होता है। अब हम अगला लाइन बुन रहे हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर से जाली बनाते हुए इस लाइन को पूरा हम कंप्लीट करेंगे। साथ में आप चाहें तो यहाँ फंदा गिन सकती हैं, ये जैसे तीन हो गया, ये चार पाँच, इस तरह से आप गिन सकती हैं। उनचास फंदा हुआ हमारा, हमें यहाँ पे 56 फंदा करना है। अभी 49 हुआ आपके पास, तो एक हम पूरा लाइन उल्टा बुन लेते हैं, यानी 7 फंदा हमें और बढ़ाना है यहाँ पे। इसके बाद हम वो फूल बनाना शुरू करेंगे। तीन लाइन हम यहाँ पे जाली बनाए हुए हैं, जाली बनाते हुए हम 56 फंदा कंप्लीट करेंगे, 56 फंदा कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से इस लाइन को भी हम कंप्लीट किए। अब हमारे पास यहाँ 56 फंदा होना चाहिए
और 56 फंदा होने में 7 फंदा हमारा कम पड़ रहा है। देखिए 7 फंदा कम पड़ रहा है, तो हम बीच बीच से 7 फंदा बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से, पहला फंदा उतारें, दूसरा बुने, 2 3 4 5, 5 बुनने के बाद हम फंदे को अपनी ओर करते हैं और फिर से बुनना शुरू करते हैं। ये एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, हमें कितना फंदा बढ़ाना है, 7 फंदा। तो फिर हम यहाँ से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, 2 फंदा हो गया, 1 2 3 4 5, 3 फंदा हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया 4 फंदा, 4 फंदा हुआ, 1 2 3 4 फंदा हुआ, नहीं कहीं गड़बड़ हो गया, कितना फंदा हुआ यहाँ पे, देखिए हम फिर से गिनते हैं, 1, ये 5 के बाद फंदा यहाँ पे बढ़ा, 2 3 और 4 फंदा हुआ, ठीक है, 4 फंदा यहाँ बढ़ा, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पांचवा फंदा हम बढ़ा लिए, फिर से 1 2 3 4 5, फंदे को अपनी ओर किए, ये छठा फंदा हो गया, फिर से 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 5, अब देखिए ये 7वां फंदा हो गया। अब सारे फंदों को हम बुन लेंगे, जो बचा हुआ फंदा हमारे पास, 7 फंदा हमारा यहाँ पे कम पड़ रहा था, हम 7 फंदा बुन लिए, देखिए ये हो गया। अब उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे, यहाँ तक 40 फंदा हुआ है, आगे भी हम गिन लेंगे कितना हमारे पास फंदा हुआ है। ये हो गया 50 फंदा, 56 फंदा यहाँ पे कंप्लीट है हमारा। हमें ये डिजाइन थालपोश में बनाने के लिए, शुरू करने के लिए हम 56 फंदा यहाँ पे लाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब देखिए ये जो जाली बना है, ये जब हम यहाँ आधा पर लाएंगे तब हम आप लोगों को दिखाएंगे, तब ये साफ पता चलेगा जाली किस तरह से बना है, जो बीच में काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। और अगर आप चाहेंगी तो यहाँ पे आप कोई भी फ्लावर ऊपर से डाल सकती हैं, काफ़ी सारा फ्लावर हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं, शुभम कुमार में भी और दूसरे चैनल में भी। तो देखिए अब हम यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करते हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये एक जाली बनाए हम, यहाँ पे हम पहला फंदा उतारे, दूसरा बुने, अब फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक जाली बनाए हम। यहाँ पे फूल बनाना शुरू कर रहे हैं, अगर आप चाहती हैं थोड़ा सा रुक कर बनाना तो आप एक दो सिलाई यहाँ बुन सकती हैं,
लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे एक जाली बनाएं, फिर से एक जाली और हमें बनाना है, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये हम जाली बनाते हुए यहाँ फंदा हम 5 गिनेंगे। तो देखिए जाली बन गया, ये फंदा जो हम गिरा रहे हैं इसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5। अगर आप इसे अलग रूप देना चाहती हैं, जो ये बनाई हुई हैं इसे अलग रूप देना चाहती हैं, तो फिर आप इस तरह से एक उल्टा बुन लें, जैसे कि हम इसे हम खोलते हैं, फिर से हम बुन लेने के बाद में हम आपको डिजाइन यहाँ पे बतलाएंगे। क्योंकि अगर आप एक लाइन उल्टा बुन लेंगी तो यहाँ पे डिजाइन उसके बाद से अच्छा पता चलेगा, अच्छा लगेगा देखने में। देखिए हम यहाँ पे फंदों को खोल चुके हैं, एक फंदा उतार लिए हैं और देखिए अब सारे फंदों को हम उल्टा बुनेंगे, जितना भी फंदा है उल्टा बुन लेंगे दोनों तरफ से। तो चलिए हम दोनों तरफ से एक लाइन उल्टा और उल्टा तरफ से एक लाइन उल्टा, यानी दोनों तरफ से उल्टा बुनकर हम कंप्लीट करते हैं 2 लाइन। इसके बाद हम तीसरा लाइन से फिर हम डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को दिखा दें कि ये जो हम जाली यहाँ पे बनाए हुए हैं ये कैसा लगता है देखने में। देखिए जाली आपका जब आप इसे गोल बिछाएंगी तो देखिए आपका ये कुछ इस तरह का लगेगा देखने में। देखिए ये कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। और इस पे जो हम बनाए हुए हैं ये तो हम बतलाए नहीं, इसमें हम सिर्फ फंदों को बढ़ाते चले गए हैं, हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाते चले गए हैं, जाली भी नहीं दिए हैं और हम फंदे को बढ़ाते चले गए हैं, ये चीज़ हम आप लोगों को उसमें नहीं बताए थे। तरीका सेम है, सिर्फ इसमें हम जाली नहीं दिए हैं और एक फंदा से 2 फंदा करते हुए बढ़ाते चले गए हैं, जो कि इस तरह से देखिए यहाँ पे कोना निकला हुआ है इसका, और इस पे हम जाली बना रहे हैं। तो चलिए हम 2 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक लाइन ये उल्टा का डाल दिए, ये उल्टा हो गया। अब यहाँ से जो हम फूल बनाना शुरू करेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने में लगेगा, चलिए बनाते हैं। देखिए अब हम फूल बनाना शुरू करते हैं, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे और फिर एक जाली यहाँ पे बनाएंगे। जाली बनाते हुए हम, चूँकि ये किनारे का है इसलिए हम मात्र एक जाली यहाँ बनाएंगे, जाली बनाते हुए हम फंदे को गिनेंगे, जो हम फंदा गिराएंगे उसे गिनेंगे भी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदा हम यहाँ पे बुने, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, एक फंदा से फंदे को गिरा देंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, लेकिन फंदे को गिराएंगे जो, तो हम इसकी गिनती करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम ये जाली यहाँ पे बनाए हुए हैं, फंदे को यहाँ बढ़ाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर फंदे को यहाँ बढ़ाएं, फिर एक चोटी चला जाएगा यहाँ, फिर जाली बनाएं, फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब फंदे को ऊपर करेंगे, अपनी ओर करेंगे और फिर से हम फंदे को इसी तरह बढ़ाएंगे, 1 फंदे को अपनी ओर किए, 5 फंदा गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, बस इसी चीज़ को हमें अब रिपीट करना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो,
तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब चूंकि यहाँ पे एक जाली है हमारा, इस साइड में एक जाली है, तो हम चाहेंगे कि इस साइड में भी एक जाली हो, तो एक जाली हम यहाँ भी बना लेते हैं। क्योंकि जब हम पोशाक वगैरह गोलाई में बनाना शुरू करते हैं तो दोनों तरफ अगर फंदे को हम बढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनकर सामने आता है। अब हम उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम उल्टा भी यहाँ पर बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। इस लाइन में हम जितना भी जाली बनाए वो फंदा बढ़ चुका है। अब हम यहाँ पे दो जाली, दो लाइन में और जाली बनाएंगे, जो कि जाली आपका बनेगा ज़रूर लेकिन फंदा बढ़ेगा नहीं। फंदा हम जाली भी एक तरफ से बनाएंगे और फंदों को भी एक तरफ से हम घटाते चले जाएंगे। तो चलिए दूसरा लाइन बनाते हैं फूल का, यानी तीसरा लाइन है फूल का। ये दो फंदा हो गया। अब ये जो फंदा है, ये फंदा जो हम बनाए हैं जाली का बनाए हुए हैं, ये फंदा को भी हम बुन लेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे जाली बनाना है तो फंदे को अपनी ओर करेंगे और हम जैसा कि बतलाएं एक जाली बनाएंगे, लेकिन हम एक फंदा कम भी करेंगे क्योंकि हमें एक सिर्फ स्टार्टिंग का जो लाइन होता है ना, देखिए ये जो जाली आप देख रही हैं यहाँ पे, ये जाली, तो ये जाली बढ़ा है यहाँ पे, फंदा इतना बढ़ा, जितना जाली बना उतना फंदा यहाँ पे बढ़ा है पहला लाइन का, लेकिन दूसरा लाइन का और तीसरा लाइन का जो जाली बनेगा इस पे फंदा बढ़ेगा नहीं। फिर जब हम अगला यहाँ पे जाली शुरू करेंगे, जैसे कि ये रहा आपका जाली यहाँ और यहाँ, तब आपका ये फिर से गिनती में आएगा, बढ़ने की गिनती में, क्योंकि हमें इसे गोलाई में बुनना है तो हमें फंदे को यहाँ पे बढ़ाना भी पड़ेगा। अगर हमें इसे जैसे कान्हा जी का बेडशीट आप तैयार कर रही हैं तो उस तरह का हमें बुनना रहता तो हम यहाँ पे जाली को बढ़ाते नहीं, जिस तरीके से यहाँ घटाते चले जाएंगे उसी तरीके से यहाँ भी घटाते चले जाते। लेकिन चूंकि हमें बढ़ाना है यहाँ पे, फंदों को भी बढ़ाना है, इसलिए हम और हम अगर तीनों यहाँ जो आप तीन जाली देख रही हैं, एक दो तीन, तो तीनों जाली में अगर हम फंदा को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगा, बीच में जो गोलाई है इस पे झोल आ जाएगा, तो देखने में आपका ये थाल पोस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए देखिए हम इस तरह से इसे करते हैं और देखिए अब आप यहाँ पे फूल किस तरह से बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे को अपनी ओर किए, एक जाली बनाएंगे और फंदे को हम कम भी करेंगे। तो देखिए दो का एक हम कर रहे हैं, अब ये दो का एक हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये दो का एक हम इस तरीके से करेंगे। ये एक जाली बना लेकिन एक फंदा कम भी हो गया। अब फिर बाकी यहाँ बीच का फंदा हम बुनेंगे, एक दो, दो फंदा बुनेंगे। दो फंदा इसलिए बुनेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे फिर हमें जाली बनाना है यहाँ पे, तो जाली हमें जब बनाना है इस जगह पे हम जाली बनाएंगे इस जगह पे, तो जाली बनाने से पहले फिर से हमें फंदे को कम करना है, तो हम फिर से अब इस तरफ का जो फंदा हम कम करेंगे वो हम इस तरीके से कम करेंगे। देखिए सबसे पहले हम फंदा को कम कर लेंगे इस तरह से, एक फंदा यहाँ, जब हम इस तरफ का फंदा बुन रहे थे तो हम इस तरह से फंदे दो का एक हम किस तरीके से किए आप देखें अगला फूल में फिर बतला देंगे। यहाँ पे हम किस तरह से दो का एक किए ये भी आप देख लिए। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे, ये जाली बन गई। अब ये जो बीच का चला जा रहा है चोटी, अगर आप चोटी रखना चाहती हैं तो रखिए, अच्छी बात है, लेकिन
ये चीज़ है, बीच में ये चीज़ है, तो यहाँ पे ये हल्का हल्का जो एक एक उल्टा डिजाइन चला जाता है देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसे हम फंदे को अपनी ओर करेंगे और इसे उल्टा बुनेंगे इस तरह से। फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे और ये बढ़ा हुआ जाली को बुन लेंगे इस तरह से। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और देखिए फिर से हम दो का एक यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान दें। नीचे की ओर से हम दो का एक करेंगे और फिर से दो फंदा बुनेंगे, एक और एक दो। अब जाली बनाने से पहले हमें यहाँ पे एक ही फंदा हमें बीच में बुनना है। यहाँ भी आपको एक ही फंदा आया है बीच में, एक दो तीन फंदा बचा है यहाँ भी, तो एक फंदा ही हमें बुनना है। यहाँ पे मैंने बीच में यानी कि यहाँ एक फंदा बुनना है। दो का एक किए, एक फंदा बुने। अब हमें यहाँ जाली बनाना है तो फिर से दो का एक करेंगे। दो का एक हम किस तरह से करेंगे, पहला बार जब इस तरफ से ऐसे घटता है तो हम इस तरीके से घटाते हैं, दो का एक करते हैं, लेकिन अब इस तरफ से इस तरह से जाएगा तो हम इस तरीके से घटाएंगे। देखिए इस तरीके से घटाएंगे ताकि ये फूल देखने में सुंदर लगे। अब हम फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाते हुए बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये बढ़ा हुआ फंदा को बुन लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाते हुए दो का एक करेंगे, दो का एक और एक फंदा बुन लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, जाली बनाएंगे, बीच का ये चोटी हम उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा बुन लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये दो का एक करेंगे नीचे की ओर से, और ये बीच का फंदा एक बुनेंगे। तो देखिए हम इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे इस तरह से। तो अभी हमारा कितना हुआ है जाली, यहाँ एक दो, एक और जाली बनाना हमें बाकी है। तो चलिए हम इस लाइन को बुनकर उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी हम पोशाक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आप लोगों को डिजाइन यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम वहाँ भी इस डिजाइन को समझाए हुए हैं, आप वहाँ से भी समझ सकती हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फूल बना हुआ है। अब एक लाइन और बुनेंगे तो ये फूल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक लाइन बुनने के लिए पहला फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, उल्टा तरफ से कंप्लीट हुआ। दूसरा फंदा बुनेंगे, ये तीसरा फंदा भी बुनेंगे, बढ़ा हुआ फंदा है, ये चौथा फंदा भी बुन लेंगे, बढ़ा हुआ फंदा है, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये तीन का एक करेंगे हम। देखिए इस तरह से तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे और फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम तीन का एक किए तो यहाँ पे एक फंदा बीच का रह गया, आपको दो फंदा कम हुआ था तो एक और एक दो, दो फंदा फिर से आ गया, ये फूल कंप्लीट हो गया। अब फिर से यहाँ पे हम बुनेंगे सीधा और ये है उल्टा बुनेंगे, यहाँ बीच का ये जो बीच का लाइनिंग जाएगा वो है, फंदा सीधा बुनेंगे, एक बढ़ा हुआ फंदा था वो हमें सीधा बुनना था, ये भी बढ़ा हुआ फंदा है सीधा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, फिर तीन का एक करेंगे। देखिए तीन का एक हमें नीचे की ओर से इस तरह करेंगे फंदे को यानी जाली को बनाते हुए, ये हो गया। फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे और बढ़ा हुआ फंदा बुन लेंगे, एक जाली बनाएं, बढ़ा हुआ फंदा हमारा यहाँ पे है एक और है, बुन लिए। अब ये उल्टा है, यहाँ पे बीच का जो है ये उल्टा जा रहा है, उल्टा है, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा बुनेंगे, दो फंदा। तो इस तरह से हम इसे बुनकर ये लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये फूल कंप्लीट हो गया, अब उल्टा तरफ से जब पूरा उल्टा कंप्लीट करेंगे तो साथ में अगला फूल हम बनाना शुरू करेंगे सीधा तरफ से।
जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये फूल कंप्लीट है, यहाँ ये फूल आपका कंप्लीट है यहाँ। तो ये फूल कंप्लीट कर लेने के बाद में हम जब सीधा तरफ आएंगे, एक उल्टा बुनने के बाद सीधा, तो यहाँ से फिर हम दूसरा फूल कंप्लीट करेंगे। तो ये फूल में आपको 1 2 3 4 5 फंदा आपको ये फूल में आता है, लेकिन चूंकि यहाँ एक फंदा बढ़ेगा, यहाँ एक फंदा बढ़ेगा, तो इस पे 7 फंदा आ जाएगा आपको यहाँ पे। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 2-2 फंदा बढ़ते चला जाएगा आपका प्रत्येक फूल में। और 2-2 फंदा जो प्रत्येक फूल में आपका बढ़ता चला जाएगा, तो ये गोलाई का रूप लेता चला जाएगा। अगर फंदा नहीं बढ़ेगा तो आपका ये थालपोश हो, या तो गोल टेबल कवर भी हो सकता है, या डोरमेट भी हो सकता है, तकिया कवर भी आप बना सकती हैं, तो फिर ये गोलाई ठीक से नहीं बन पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2-2 फंदे को बढ़ाते चले गए हैं। तो चलिए इस तरह से हम बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं सीधा तरफ से, जो हम अभी यहाँ पे बतलाएँ, सीधा तरफ से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, यहाँ पे ये बढ़ा हुआ फंदा 4 है, यहाँ पे बढ़ा हुआ फंदा यानी 2 है, ये 2 एक्स्ट्रा है, बुन लेंगे, एक जाली देंगे, 3 का एक करेंगे, एक जाली देंगे, एक जाली देने के बाद 2 बढ़ा हुआ फंदा बुन लेंगे, एक बीच का ये चोटी के साथ जो चला जा रहा है इसे उल्टा बुनेंगे, 2 सीधा बुनेंगे, एक जाली बनाते हुए 3 का एक करेंगे, फिर एक जाली बनाएंगे, फिर 2 बढ़ा हुआ फंदा बुनेंगे, फिर एक उल्टा बुनेंगे, फिर 2 बढ़ा हुआ फंदा बुनेंगे। ये बुनकर कंप्लीट कर लेने के बाद उल्टा तरफ से हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फूल बनकर कंप्लीट हो गया आपका ये। अब हम दूसरा फूल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक फूल बनकर कंप्लीट हुआ है, दूसरा फूल ये बना हुआ है, तो ये दूसरा फूल अब हम बनाएंगे। तो दूसरा फूल जब हम बनाएंगे तो यहाँ 5 है, बीच में यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये चीज़ बढ़ता चला जाएगा। पहला फूल में 5 था, दूसरा में 7 रहेगा, तीसरा में 9 रहेगा, चौथा में 10 रहेगा, आगे बढ़ाएंगी तो इसी तरह बढ़ते चला जाएगा। 2-2 फंदा आपका, 2-2 फंदा एक एक फूल पर बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे। अब ये चूंकि बीच का है, अब यहाँ से हम दूसरा फूल के लिए ये जाली बनाना शुरू करेंगे। तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक जाली बनाएंगे, ये जाली बन गया, एक फंदा हम यहाँ से गिनेंगे भी, एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। जैसे कि बीच में यहाँ 5 था, यहाँ हम 7 बनाए, 7 बनाने के बाद देखिए अब ये उल्टा है, यहाँ से उल्टा चला आया है, तो फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये उल्टा लाइन, ये लाइन चला आया है, फंदे को अपनी ओर करेंगे और जाली बनाते हुए हम सीधा बुनेंगे इस तरीके से। क्योंकि हम, अगर आप चाहते हैं उल्टा बुनने तो बुन सकते हैं, देखिए इस तरह से आप एक लपेट लें उनको और यहाँ पे उल्टा बुन लें, और जो दूसरा बुनेंगे, दूसरा जो जाली देंगी वो इस तरह से दूसरा जाली दे लें, तो आपका ये चीज़ उल्टा भी आ जाएगा और दोनों बगल में जाली भी हो जाएगा, जो कि ये एक फूल का जाली है, ये और ये बीच का 7 फंदा है, 7 फंदा, जैसे कि यहाँ पे 5 था, तो जिस तरह हम 5 को हम एक पर लाएं, उसी तरह 7 को हमें एक पर ले जाना है, तो दूसरा फूल तैयार हो जाएगा। फिर हम तीसरा फूल शुरू करेंगे, चौथा शुरू करेंगे, तो इस तरह से हम चलिए यहाँ पे बनाते हुए चले जाएंगे। एक जाली हो गया, एक फंदा बुन चुके हैं हम, 2 3 4 5 6 7 जाली बनाएंगे। अब आप चाहें किसी भी तरह से जाली, अगर सीधा रखना चाहती हैं सीधा, उल्टा रखना चाहती हैं तो हम जैसा कि बतला चुके हैं इस तरह से फंदे को ले ले सिलाई पे और उल्टा बुन ले, तीसरा इस तरह से, दूसरा जाली इस तरह से बनाएं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद पूरा हम उल्टा एक लाइन बुन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम बुने
ये रहा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः के साथ एक सात बुन लेंगे और यहाँ पे एक जाली बना लेंगे इस तरीके से। तो लास्ट हम इधर इस तरीके से बुने, उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम उल्टा पूरा यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर रहे हैं। अब सीधा तरफ से देखिए हम अगला लाइन किस तरह से बुनते हैं। ये यहाँ पे हमारा जाली है, पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, ये बढ़ा हुआ फंदा है, बढ़ा हुआ फंदा भी बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक जाली बनाएंगे, लेकिन वही क्रम शुरू करेंगे, जाली बनाते हुए दो का एक करेंगे, दो का एक, सिर्फ एक बार पहला जो फूल का, एक फूल का जो पहला जाली बनता है उसी स्थान पे हम दो का एक नहीं करते हैं, उसके बाद से जितना भी है सबों में हम दो का एक करते जाएंगे। दो का एक कर लिए, अब एक फंदा बुने, दो फंदा बुने, तीन फंदा बुने। देखिए शुरू में हम जब ये फूल बना रहे थे तो दो का एक करने के बाद एक फंदा बुने थे हम, नहीं तीन फंदा बुने थे, अभी हमारा तीन फंदा, दो एक फंदा हम बुने हुए थे, अभी हमारा यहाँ पे हो गया है तीन, बढ़ गया फंदा, पाँच से सात हो गया तो तीन हो गया। अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे फिर से और एक जाली बनाएंगे, ये एक जाली बन गया, ये उल्टा है, लाइनिंग जो जा रहा है सो है, इसे एक उल्टा बनाएंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, ये बढ़ा हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। अब फिर से हमें यहाँ एक जाली बनाना है, फंदे को अपनी ओर करेंगे और दो का एक करते हुए एक जाली बनाएंगे, तीन फंदा प्लेन बुनेंगे, एक दो तीन, फिर से दो का एक करेंगे, ये जो देख रही हैं ये दो का एक करेंगे। अब यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे, एक जाली बन गया, ये उल्टा जाएगा हमारा, यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, बढ़ा हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से फंदे को अपनी ओर करेंगे, देखिए फिर से हम यहाँ पे दो का एक करेंगे, जाली बनाते हुए दो का एक करेंगे, तीन फंदा बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर दो का एक करेंगे, फिर फंदे को अपनी ओर करेंगे, जाली बनाएंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, उल्टा बुनेंगे, फंदे को नीचे की ओर करेंगे, फंदा सीधा बुनेंगे बढ़ा हुआ। तो इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे। देखिए हमारा यहाँ पे दूसरा फूल बनना भी शुरू हो गया है, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फूल बना, यहाँ से दूसरा फूल बनना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से देखिए अब हम इस पे आपको बतलाते हैं, ये भी हम दूसरा फूल बना रहे हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं अभी बतलाने में, दूसरा फूल बनाकर कंप्लीट कर लेंगे हम इस तरह से, फिर बनाकर कंप्लीट कर लेंगे जब तीन का एक कर लेंगे और एक लाइन उल्टा बुन लेंगे, फिर जब सीधा तरफ से आएंगे तो फिर से एक एक जाली बनाएंगे अगला फूल के लिए। यहाँ तो पाँच था फंदा, यहाँ हाँ यहाँ पे सात हो गया, यहाँ पे नौ हो जाएगा, इस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे और हम थालपोश हो या जो कुछ भी आप बनाना चाह रही हो उसे तैयार कर लेंगे। तो चलिए आपको जितना दूर तक इसे बुनकर तैयार करना है आप बुनकर यहाँ पे तैयार कर लें, इसके बाद आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया था तो हम यहाँ पे उसके बाद आपको बतलाएंगे, इस चीज़ को हम अलग तरीके से बनाएंगे। ये जो हम क्रोशिया से दिए हुए क्रोशिया से ही देंगे, लेकिन एक डिजाइन तो ये है, बहुत सिंपल सा डिजाइन है ये तो कोई भी बना सकता है। हम इस पे जो डालेंगे, इस पे जो हम डालेंगे वो हम अलग तरह से, अलग तरह का डिजाइन डालेंगे। तो चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें हम फूल बनाए, एक दो तीन चार पाँच, और पाँच फूल बनाए हुए हैं। अब हम इस पे ये चीज़ बनाएंगे, जो यहाँ पे हम मैरून कलर से डाले हुए हैं इसे हम बनाएंगे। तो देखिए अब इसे बनाने के लिए हम दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लेंगे, रेड कलर हम इस पे डाल रहे हैं।
जोड़ लेने के बाद में इस पे जो हम बनाए हुए हैं एक सीधा एक लाइन सीधा बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे फिर से उल्टा एक लाइन उल्टा का बनाए हुए हैं। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप इसी चीज़ को डालें, आप कोई भी तरह से यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे पहला लाइन सीधा बुनेंगे, लेकिन सीधा बुनते हुए देखिए हमें क्या करना है, ये एक यहाँ पे हम उतार लिए फंदा, दूसरा फंदा बुन लिए, अब तीसरा फंदा हमें इस तरह से बढ़ा लेना है, एक का दो कर लेना है, फिर हम दो फंदा बुनेंगे, एक दो, फिर अगला फंदा हम उसी तरह एक से दो करेंगे, फिर से एक दो दो बुनेंगे और अगला फंदा एक से दो बना लेंगे। इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं बनाना है, हमारा यहाँ पे फूल देखिए यहाँ लास्ट हुआ, हमारा फूल एक पे आ गया था, देख रही हैं आप, ये जो फूल बना ये एक पे आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे बनाना इसे शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंदा बुने, ये दो हो गया, फिर एक से हम दो बुनेंगे इस तरीके से। तो हम इस लाइन को पूरा इसी तरह से दो बीच करते हुए एक से दो बढ़ाते हुए बुनते चले जाएंगे और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे दो लाइन बुनकर कंप्लीट किए। अब जो तीसरा लाइन हम बुनेंगे वो पूरा उल्टा रहेगा, दोनों तरफ से हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये इस तरह से उल्टा बुनेंगे। पर यहाँ पे हम डिजाइन भी एक डालेंगे, देखिए डिजाइन हमारा किस तरह का रहेगा। ये पहला फंदा बुन लिए, फंदे को अपनी ओर किए, ये दूसरा फंदा हम बुन लेते हैं, ये तो उतारे थे ये बुन लिए, अब तीसरा फंदा यहाँ पे हम उतार लेंगे और चौथा फंदा बुनेंगे, फिर से एक फंदा उतारेंगे एक फंदा बुनेंगे, देखिए एक फंदा उतारेंगे एक फंदा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और उल्टा तरफ से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम फंदों को बंद कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह का आएगा। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे इसे बनाकर कंप्लीट किए, फंदों को हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जितने प्लाई के ऊन से आप यहाँ पे बना रही हैं, ये पूरा ज़मीन इसका बना रही हैं, उतने ही प्लाई, अगर फोर प्लाई से बना रही हैं तो फोर प्लाई का यहाँ यूज करें ऊन, अगर फोर प्लाई का आपके पास नहीं है तो ऊन को डबल कर लें, इसके बाद आप इसे यूज करें। तो देखिए अब हम यहाँ पे इसे सबसे पहले सिलना जानेंगे। तो यहाँ पे हम सुई यहाँ लगा चुके हैं, लगाने के बाद देखिए यहाँ हम किस तरह से सिलेंगे, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलना है, एक यहाँ से लेंगे और दूसरा यहाँ से लेंगे और इसे हम इस तरह से ले आएं, फिर से यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे, इसे मिला लिए, फिर से यहाँ और यहाँ, ये हो गया। एक बार और हम इसे यहाँ पे ले आएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। अब सुई को नीचे की ओर ले जाएंगे और ये रेड कलर से हम यहाँ पे अब और नहीं सिलेंगे, रेड कलर हटा देंगे। तो इसे उनको हम कट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब हमें चूंकि यहाँ पे सिलना है, देखिए इसे सिलना है, तो इसी कलर का ऊन हम लगा लेते हैं। अब देखिए अब हमें सिलना है यहाँ पे, तो हम किस तरह से सिलेंगे। सबसे पहले तो सुई हम नीचे की ओर से यहाँ पे डालेंगे, इस जगह पर डाल लिए, निकालेंगे इसे, अगर हो सके तो आप कहीं भी दूसरे इस ऊन से बांध लें अच्छी तरह से। जैसे कि देखिए एक गांठ हम लगा लेते हैं, ये हो गया, उनको टाइट कर लेंगे। अब देखिए अब हमें किस तरह से सिलना है, पूरे यहाँ से लेकर लंबाई पूरा हमें किस तरह से सिलना है। देखिए अब हम
इस जगह पे उनको सुई को निकालेंगे, इस या हाँ इस जगह पे निकालेंगे और ये जो देख रही हैं आप इस पे लाएंगे, इसे टाइट करेंगे, ये हो गया। अब देखिए, अब ठीक इसके बगल से यहाँ पे इस चोटी पे डालें और इस चोटी पे डालेंगे, इस चोटी पे, और इसे टाइट करेंगे, तो देखिए इसे टाइट किए। अब फिर से हम उनको इस चोटी पे डालेंगे, एक ऊन ले रहे हैं देखिए चोटी में से, और फिर इसमें डालेंगे ये इस तरह से, और फिर से हम इसे देखिए। अब सिलाई यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आपको, अगर आप इस तरह से सिलेंगी तो बिल्कुल भी सिलाई पता नहीं चलेगा। देखिए यहाँ से लिए और इसका यहाँ से लिए, ये यहाँ से लिए, दोनों को मिलाते हुए सिलें, फिर से इसके बगल से और इसके बगल से भी लेंगे, ये रहा ये रहा। देखिए इस तरीके से हम सिलते चले जाएंगे, तो सिलाई यहाँ पे पता नहीं चलेगा, देखने में ठीक लगेगा। चलिए इसे सिलकर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ किस तरह से हमें सिलना है, यहाँ तक हम बतलाएंगे आप लोगों को, यहाँ और ये, ये हो गया। फिर से यहाँ पे डालेंगे और ये यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया। इस तरह से दोनों को मिलाते हुए हम सिलते चले जाएंगे, लेकर पूरा लंबाई सिल लेंगे। चलिए इस तरह से हम सिल लेते हैं। देखिए सिलने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है यहाँ पे, और आपका अगला जो है यहाँ पे एक उल्टा आते गया है वो इस तरह का लग रहा है। तो अब हम सबसे पहले इस पे बनाएंगे हम किनारी, इसका किनारी हम रेड कलर का ऊन से ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्रोशिया लगाएंगे, हम क्रोशिया के द्वारा किनारी बनाएंगे। तो देखिए हमें किस तरह से बनाना है, ये जो यहाँ पे हम धागा काटे नहीं थे उनको इसी उन से हम बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम निकाल लिए, एक दो तीन, तीन चेन हम लेंगे, तीन चेन लेने के बाद एक बिच करेंगे और ये दूसरा मिलाकर इस तरह से फंदे ले लेंगे, दूसरा मिलाकर तीनों को एक साथ गिरा देंगे, फिर से एक दो तीन, और फिर एक बीच करते हुए इस पे लाकर हम गिरा देंगे इस तरह से। देखिए अब हम छः चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, छः चेन बनाने के बाद एक दो तीन, तीसरा पे लाकर हम इसे बंद करेंगे इस तरीके से। बस इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है, एक दो तीन, तीन बनाने के बाद एक चेन हम बीच करेंगे, यहाँ पे जोड़ है तो हम यहाँ पे कुछ इस ढंग से इसे लाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर एक दो तीन, फिर यहाँ पे एक बीच करते हुए, यानी हमें तीन चेन दो बार लेना है, ये एक दो तीन, तीन दो बार लेना है और छः चेन को एक बार लेना है। अब यहाँ पे हम तीन चेन लाएं, यहाँ भी तीन चेन लाएं, अब छः लाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लाने के बाद ये देखिए एक दो दो बीच करेंगे और तीसरा पे हुक को डालकर बंद कर लेंगे, फिर से एक दो तीन, एक बीच करेंगे, जब हम तीन चेन लेंगे तो एक बीच करेंगे, छः चेन लेंगे तो दो बीच करेंगे, देखिए इस तरह से पूरी गुलाई हमें बनाना है इसे, तीन चेन दो बार, फिर छः चेन, फिर ये तीन, ये तीन, फिर ये छः, फिर ये तीन, फिर ये तीन, अब हम छः लिए हुए हैं जो हम यहाँ पर लाकर जोड़ेंगे, पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये दो किए, इसके बाद ये छः, छः चेन बनाकर इस स्थान पे जोड़ दिए हैं,
यहाँ से हम शुरू किए थे, तीन चेन फिर छः चेन, तो अब इसे हम यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे इसे यानी हमें इस तरफ करना है, देखिए बीच में एक ले लिए, अब इसे यहाँ पे ले आए, देखिए यानी कि ये जो तीन चेन था इससे हम इस तरफ ले आए। अब ले आने के बाद एक बार चेन ले लेते हैं, फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम डबल क्रोशिया जो छः चेन बना हुआ है उस पर डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक दो तीन चार, देखिए यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाए। अब पांच चेन लेंगे, एक दो तीन चार पांच, ये दोनों में हम हुक को डालेंगे, इसे इस तरीके से निकाल कर इससे भी निकाल लेंगे, फिर से फंदे लेंगे, चार डबल क्रोशिया और बना लेंगे इसी स्थान पे, दो तीन और ये रहा चार डबल क्रोशिया। अब देखिए अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो तीन चेन लिए हुए थे यहाँ पे लाकर इसे बंद कर देंगे, फिर से एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसे यहाँ लाएंगे, इस तरीके से ले आए, एक चेन और ले लेंगे। अब फिर से हम फंदे ले लिए, फंदे लेने के बाद चार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया बनाए। अब एक दो दो तीन चार पाँच, पाँच चेन ले लिए। अब फिर हमें इसी पे हुक को डालना है और इसे इस तरीके से निकाल लेना है, फंदे लेंगे, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर हम इसे यहाँ पे बंद कर लिए। अब एक बार फिर से ये जो तीन चेन लिए हैं वहाँ पे ले आएँ, ये आ गया। अब हम फंदे लेंगे, फंदे लेकर फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम बनाते चले जाएंगे, इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे तो आपका ये गोलाई में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। चलिए सबसे पहले हम इसे गोलाई में इस तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, ये हम इस तरीके से बनाए हुए हैं। तो देखिए इस तरह से हम लास्ट यहाँ पे ले आए हैं। अब ये जो लास्ट यहाँ पे एक तीन चेन का बचा हुआ था, स्टार्ट हम यहाँ से किए थे, तो ये यहाँ पे लाके बंद कर देंगे और एक यहाँ पे भी ले आएंगे साथ में, बंद कर देंगे, दोनों मिल गया। अब इसे हम कट कर लेंगे, कट करने के बाद इसे अंदर की ओर हम एडजस्ट करेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ से हम शुरू किए हुए थे, यहाँ से बनाना शुरू किए थे। ये देखने में ये फूल काफ़ी खूबसूरत लगता है, इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब जो इसका बीच है, ये जो इसका बीच है यहाँ पे, ये बीच में हम कोई भी फ्लावर वगैरह ऊपर से डाल देंगे, या तो फिर आप यहाँ पे क्रोशिया की मदद से फ्लावर बना सकती हैं। जैसे चलिए हम क्रोशिया की मदद से यहाँ पे फ्लावर बनाएंगे, या बना बनाया फ्लावर जो होता है, मेरे चैनल पे काफ़ी हम फ्लावर बनाकर डाले हुए हैं लिंक, तो उसे भी आप डाल सकती हैं। तो इस तरह से देखिए बीच में हम यहाँ पे क्रोशिए का बना हुआ एक फ्लावर डाल दिए हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किनारे में जो हम इसका आउटलाइन डाले हुए हैं, ये आउटलाइन आप देख रही हैं क्रोशिया से हम डाले हुए हैं, ये सिर्फ ये आउटलाइन हम क्रोशिया से डाले हुए हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।